गर्भपात, अबॉर्शन, भारत में वैध है कि अवैध है, कौन करवा सकता है, कहां करवा सकता है, कैसे होता है, आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजवीर चौहान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सेक्स और समस्या। तो इसी बिंदु पर हम बात करते हैं सुरक्षित गर्भ समापन, कौन करवा सकता है, कहां करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, भारत में कितना लीगल है, इनलीगल है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिनियम की। तो भारत के अंदर जो ड्यूरेशन है गर्भपात की वो 5 मंथ है, यानी कि 20 वीक तक का जो अबॉर्शन भारत में लीगल है, वैध है, बिल्कुल कानूनी तौर पर किया जाता है। लेकिन कुछ इसकी शर्तें हैं, जैसे जो 18 प्लस महिला है वो जाके स्वयं अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन जिसकी उम्र 18 से नीचे है उस महिला की लिखित सहमति, उसके गार्जियन की लिखित सहमति बहुत जरूरी है। या फिर कोई महिला ऐसी है जो मानसिक विक्षिप्त है, दिमाग से कमजोर है, तो उसकी भी परिवार की गार्जियन की लिखित सहमति बहुत जरूरी है। साथ में एक मुख्य बिंदु है कि जो भी अबॉर्शन किया जाता है उसके अंदर महिला की और उसके जो गर्भ है वो सुरक्षित गर्भ समापन हो, उससे महिला के जीवन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये भी एक बिंदु महत्वपूर्ण अधिनियम के अंतर्गत देखा जाता है। और वो सब देख के सारी की सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अबॉर्शन किया जाता है। अब बात करते हैं अबॉर्शन कितने तरह का होता है, कहां करवा सकते हैं, कौन करवा सकता है। बिल्कुल, अबॉर्शन कोई भी महिला करवा सकती है, 18 से नीचे की अगर उसकी उम्र है तो वो अपने गार्जियन की सहमति से, लिखित सहमति से करवा सकती है। 18 प्लस है तो वो स्वयं करवा सकती है, किसी भी संस्थान में जाके जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है और जिस संस्थान पर प्रशिक्षित महिला या पुरुष डॉक्टर अवेलेबल है वहां पर जाकर वो गर्भ को समापन करवा सकती है। अब बात करते हैं कि ये गर्भ समापन जो पीरियड, तो हमने आपको बता दिया कि 5 मंथ तक का अबॉर्शन आप करवा सकते हैं, लेकिन अब इसको हम कैटेगरी में रखते हैं, 3 कैटेगरी में हम इस गर्भ समापन को रखते हैं जो कि बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 1 वीक से लेकर 9 वीक तक का। नंबर 2, 9 वीक से ऊपर 12 वीक तक का। नंबर 3, 13 वीक से 20 वीक तक का। ये 3 कैटेगरी में आज हम अबॉर्शन को रखते हैं और अब इनको डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। नंबर 1, 1 से लेके 9 वीक, ये जो पीरियड है इसमें जो गर्भ समापन है वो आप दवा द्वारा करवा सकते हैं, यानी गोली द्वारा, मेडिकली जो टेबलेट्स आती हैं उसमें वो लेके आप प्रशिक्षित डॉक्टर से, उन्हीं के संस्थान पे जाके आप गोली लेंगे। और वो भी गोली लेने का एक टाइम होता है, पीरियड होता है, एक गोली आज ली है तो उसकी जो सेकंड खुराक है वो 12 घंटे बाद, यानी कि वो कल ली जाएगी, ठीक है, और वो भी आपके डॉक्टर की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ली जाएगी। आप बिल्कुल घर नहीं लें, किसी झोला छाप डॉक्टर से नहीं लें, बिल्कुल ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये है 1 से 9 मंथ तक का, यानी कि जो दवा से गर्भ समापन किया जाता है। अब बात करते हैं 9 से ऊपर 12 वीक तक का। 9 से ऊपर 12 वीक तक का जो अबॉर्शन किया जाता है उसको बोलते हैं सिरिंज विधि या सेक्शन विधि। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, सेक्शन, वैक्यूम, किसी को खींचना, जैसे सिरिंज को हम भरते हैं, इसी तरह गर्भ के अंदर एक सिरिंज नुमा, एक सेक्शन नुमा औजार देके वो बिल्कुल सिरिंज को जैसे हम खींचते हैं वैक्यूम बना के, इसी तरह उसको भी गर्भ समापन किया जाता है, फीटर्स को खींचा जाता है। तो ये दूसरी विधि है, ठीक है, 9 से लेके 12 वीक तक की, सेक्शन विधि, सिरिंज विधि। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे मेजर, सबसे बड़ा, ताकि उसमें वहां तक जाते जाते फीटर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, उस कैटेगरी की हम बात करते हैं जो कि है 13 से लेकर 20 वीक, यानी कि बहुत ही रिस्की, लेकिन ये वैध है। इसमें एक कंडीशन सेक्शन के अंदर जो गवर्नमेंट ने कानून के अंदर जोड़ी है, जो तीसरी कैटेगरी के अबॉर्शन हैं जो 13 से लेकर 20 वीक तक का जो अबॉर्शन है, इसमें दोस्तों वहीं उसी संस्थान पर वो अबॉर्शन हो सकता है या वही संस्थान अबॉर्शन कर सकता है जहां पर दो डॉक्टरों की सेवा हो, दो गायनी डॉक्टर वहां पर हो, दो की सलाह चले, दो का डिस्कशन हो उस क्लाइंट के ऊपर जिसका की पीरियड
गर्भ का पीरियड 13 से लेकर 20 वीक के बीच में आता है, उस पे दो डॉक्टरों की सलाह बहुत जरूरी है। उस संस्थान पे दूसरा डॉक्टर उस टाइम हो जिस टाइम उसकी प्रोसीजर चल रहा है, और वो होती है शल्य विधि। शल्य जो कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, औजार, बिल्कुल औजार के द्वारा उस तीसरे अबोसन को जो तीसरी कैटेगरी का है 13 से लेकर 20 वीक तक का, वो औजारों के द्वारा गर्भ समापन किया जाता है, और उसमें दो डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भारत के अंदर वैध है, कानूनी तौर पर किया जाता है, 5 महीने यानी 20 वीक तक का किया जाता है, 3 तरह की विधियों द्वारा किया जाता है, 1 दवाई द्वारा, 2 सेक्शन सिरिंज विधि द्वारा, 3 औजारों की विधि, औजारों के द्वारा। 1 में 1 से लेके 9 मंथ, 2 में 1 से लेके 9 वीक, 2 में 9 से लेके 12 वीक, और 3 में 12 से लेके 20 वीक, यानी 5 मंथ तक का आप आवासन लीगली तौर पे भारत में एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा, प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक अनुबंधित संस्थान पे जाके करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने पूरे वीडियो में देखा, भारत में आवासन 5 मंथ यानी 20 वीक तक वैलिड है, वैध है, कोई भी 18+ करवा सकती है खुद की सहमति से, छोटी एज 18 के नीचे जो है वो अपने माँ बाप की सहमति से करवा सकती है, ठीक है। 3 कैटेगराइज है, 1 से लेके 9 वीक मेडिसन द्वारा, 9 से लेके 9 के ऊपर 12 वीक सेक्शन विधि सिरिंज विधि द्वारा, और 12 से 20 वीक यानी कि 2 डॉक्टरों की सलाह के साथ शल्य विधि द्वारा उस संस्थान पे, जिस संस्थान को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, वहां जाकर आप आवासन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर रिलीज होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।